दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर देखिए। हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी, कुछ मनफी ख्यालात, मनफी सोच जहन और दिमाग से आपके निकल जाए और आप कुछ इत्मीनान महसूस करें आज की वीडियो देखने के बाद। आज की वीडियो में इन दो लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमी चाहिए दो गज कफन के बाद। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में खुद ही चुनवाता है, फिर जब सांस रुकने लगती है तो शोर मचाता है। एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है। जवाब देखिए कितना अच्छा उन्होंने दिया और तजुर्बे वाला दिया। कहने लगे कि मेरे ख्याल में आज उतनी गुर्बत नहीं है, उतनी गरीबी नहीं है जितना उसका शोर है। आजकल जिसको हम गरीबी बोलते हैं या गुर्बत बोलते हैं, दरअसल वो ख्वाहिश पूरा न होने को बोलते हैं। वरना हमारे बाप दादाओं ने जो गरीबी के दिन देखे हैं, जो गुर्बत देखी है कि उनके पास तो स्कूल के लिए तख्ती भी नहीं होती थी, तख्ती के पैसे नहीं होते थे, तो बाजू वाले की तख्ती पर अपना सबक लिखकर उस्ताद को बता भी देते थे, पास भी हो जाते थे, नंबर भी ले लेते थे। स्लेट पर लिखने के लिए पेंसिल नहीं हुआ करती थी तो सिक्के का इस्तेमाल करते थे या फिर लकड़ी की किसी चीज का इस्तेमाल करते थे। और स्कूल के जो कपड़े जो लेते थे वो सिर्फ ईद पर ईद ही लेते थे। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेने होते थे तो स्कूल के कलर के ही लेते थे। यानी कितनी सादगी। कपड़े अगर फट जाते थे तो उसको बार बार सिलाई करके पहनते थे। आजकल तो सिलाई कोई करता ही नहीं है। जूता अगर फट जाता था तो जूते को भी सिलाई करते थे, उसको पॉलिश करते थे, उसको ऐसे ही चमकाते थे। और जूता कोई ब्रांडेड नहीं होता था या बाटा का नहीं होता था, बल्कि प्लास्टिक का होता था। घर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के हर घर से, किसी के यहां से घी, किसी के यहां से मिर्च, किसी के यहां से नमक मांग कर लाते थे। और कोई शर्म की बात नहीं थी। वो पड़ोसी भी जब उनके भी घर में मेहमान आते थे तो वो भी कभी कभी हमारे घर से मांग कर ले जाते थे। और आज तो माशाल्लाह हर घर में एक कम से कम एक महीने का राशन पड़ा हुआ होता है। मेहमान तो क्या पूरी बारात खा सकती है। आज तो स्कूल के बच्चों के लिए हफ्ते के 7 दिनों के 7 जोड़े सबके पास है, इस्त्री करके घर में रखे हुए होते हैं, रोजाना नया ड्रेस पहन कर जाते हैं। आज अगर किसी की शादी पर अगर जाना हो तो मेहंदी, बारात, वलीमे के लिए अलग अलग कपड़े, अलग अलग जूते खरीदे जाते हैं। उस दौर में एक चलता फिरता इंसान जिसका लिबास 300 का और जूते 200 के होते थे लेकिन जेब खाली होती थी। और आज का अगर हल्के से हल्का गरीब से गरीब भी अगर चलता फिरता नौजवान है जो गुर्बत का रोना रो रहा होता है, उसके जेब में कम से कम 30,000 का मोबाइल तो जरूर होता है, कपड़े कम से कम उसके पास में 2,000 के होते ही, जूता कम से कम 1,000 का होता है, और फिर गले में सोने चांदी के जंजीर, हाथ में घड़ी, गैजेट वगैरह तो होते ही होते हैं गरीब के बदन पर। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, गिजा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तंबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। गरीबी के यानी गुर्बत के तो वो दिन थे जिसमें हमारे बाप दादा जिए कि जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था, यानी केरोसिन नहीं होता था, तो सरसों के तेल में रुई को डुबोकर जला लेते थे और खुश थे।
आज के दौर में ख्वाहिशों की वजह से गुर्बत है। असल सबकी अलग अलग और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें। अगर किसी की शादी में शामिल होने के लिए किसी के पास अगर 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े न सिला सके, या फिर उसके पास मोबाइल ना हो, या उसके पास घड़ी ना हो, या उसके पास सिर्फ जूते ब्रांडेड ना हो, तो अपने आप को गरीब समझता है। आज ख्वाहिशात का पूरा न होने का नाम गुर्बत है। हम असल में ना शुक्रे हो गए, इसलिए बरकतें उड़ गई हैं। गरीब भी परेशान है अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अमीर भी परेशान है अपनी लामुतनाही ख्वाहिशात को लिए हुए। वैसे आपको बताओ, गरीबी अल्लाह की दी हुई एक अनमोल नेमत है जिसमें इंसान को अपने सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। अमीरों के आगे पीछे तो ज्यादातर मुनाफिकों का घेरा होता है, साफ साफ सेठ सेठ बस ये करने वाले, चापलूसी करने वाले। याद रखो, पैसों ने कभी भी किसी मरते हुए मालदार को नहीं बचाया है, और ना कभी किसी दुनियादार की हवस को पूरा किया है। बस आखिर में इतना कहूंगा कि आप, हमारी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। अपनी अपने जहन से गुर्बत को निकाले, फिर अल्लाह की दी हुई नेमतें आपको नजर आने लगेगी, बल्कि दूसरों के दर्द का एहसास भी जागेगा, भलाई का जज्बा जागेगा। और इसी जज्बे का कमाल है कि बहुत सारी रूहानी बीमारियों से शिफा मिल जाती है, इत्मीनान मिल जाता है। सुकून बहुत बड़ी दौलत है। आदमी हर काम सुकून के लिए करता है। अगर माल आ जाए, पैसा आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए और आपका सुकून गारत हो जाए, आपके रिश्ते आपसे दूर चले जाए, आपके माँ बाप आपके पास नहीं हैं और आपके आपके बहन भाई आपके पास नहीं है, तो आप गरीब हैं। बहुत सारे मालदारों को हमने देखा है कि जिनके पास पैसों के सिवा कुछ भी नहीं होता, माल के सिवा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अकेले जिंदगी जी रहे होते हैं। कितने मालदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने आलीशान बंगलों के अंदर सुसाइड और खुदकुशियां की है, बहुत सारे मिसाले। तो दिमाग और जहन गरीब नहीं होना चाहिए, यहां से हम अमीर होना चाहिए, दिल से दिमाग से अमीर होना चाहिए, मालदार होना चाहिए। हाँ, खुशियों का ताल्लुक माल से नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। इसलिए जब भी मांगो, सुकून की रोजी मांगो और अपने ख्वाहिशात को कम करो, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के बेटे को अगर सोने का एक पहाड़ दे दिया जाए, वो दूसरे की तमन्ना करेगा, दूसरा भी मिल जाए तो तीसरे की तमन्ना करेगा। इस आदम के बेटे का पेट कब्र की मट्टी ही भरेगी। इसलिए ख्वाहिशात का ये जो दुनिया है ना, ये ख्वाहिशात पूरी होने की जगह नहीं है। ख्वाहिशात अल्लाह पूरी करेगा आखिरत में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत फायदा हुआ होगा और कुछ पॉजिटिविटी पैदा हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।